हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत क्लास फिफ्थ की वर्कशीट नंबर 23, जो कि 14 फरवरी 2022 की वर्कशीट है और इसका विषय यानी कि थीम है पेड़ों का महत्व। तो बच्चों, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए, इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, अपने आसपास की चीज़ें देखकर आपके मन में कुछ सवाल ज़रूर आते होंगे। परिवार के साथ बैठकर इन सवालों पर चर्चा करने में आनंद भी आता होगा। योगेश भी आप जैसा ही एक प्यारा सा बच्चा है, जिसकी कहानी आज हम पढ़ेंगे। आइए बच्चों, पढ़ते हैं कि आज योगेश और उसके पिताजी में क्या क्या बातें हुईं। तो यहाँ पे देखिए, योगेश अपने पूरे परिवार के साथ मेज़ पर खाना खा रहा था। अचानक उसे एक ख्याल आया कि सारा लकड़ी का सामान कैसे बनता है। पिताजी ने उसे बताया कि पहले पेड़ों को काटा जाता है, फिर उन्हें आकार दिया जाता है, अंत में उन सभी भागों को एकत्र करके बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि मेज हैं, कुर्सी हैं आदि। योगेश के पिताजी ने उसे यह भी बताया कि कागज़ भी पेड़ों से ही बनाया जाता है, हमें व्यर्थ में कागज़, कॉपी आदि को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसने अपने पिताजी से यह भी पूछा कि क्या पेड़ों को काटना सही है। उन्होंने बताया कि पेड़ों को काटना बहुत ही गलत बात है, किंतु हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटा जाता है, बाद में नए पेड़ भी उगाए जाते हैं ताकि कटे हुए पेड़ों की पूर्ति की जा सके। तो यहाँ से हमने ये समझा कि पेड़ों का महत्व का क्या क्या है हमारे जीवन में, और पेड़ों से हम क्या क्या बना सकते हैं, और अगर हम पेड़ काटते हैं तो एक नया पेड़ भी हमें ज़रूर लगाना चाहिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पे कि क्या आप बता सकते हैं कि हमें कागज़ का दुरुपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो चलिए, इसका उत्तर हम लिख लेते हैं। तो बच्चों, पहले प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे क्योंकि कागज़ पेड़ों से बनते हैं, और अगर हम कागज़ बर्बाद करेंगे इसका मतलब है कि हम पेड़ ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, उन्हें काट रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक मेज बनाने के सही क्रम को बताने में आप योगेश की सहायता कीजिए। तो बच्चों, अगर हमें मेज़ बनाना है तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, एक हमें पेड़ काटना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि उन पेड़ों को काट के हमें छोटी छोटी लकड़ियाँ बनानी पड़ेंगी, फिर उन लकड़ियों को आपस में हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, जोड़ना पड़ेगा। तो तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा और चौथे नंबर पे हमारी मेज पूरी बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब हमें एक बहुत ही मज़ेदार गतिविधि दे रखी है, इसमें आपको क्या करना है, हमें पेड़ से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं नीचे दी गई जगह में उनके नाम लिखिए और किसी भी एक वस्तु का चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पर क्या क्या नाम लिख सकते हैं, मेज़ लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कुर्सी लिख सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा दरवाज़ा लिख सकते हैं, दरवाज़े भी क्योंकि लकड़ियों से बनाए जाते हैं, इसके अलावा आप खिड़की भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपके घर में बेड होगा वो भी लकड़ी से बनाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं और साथ में यहाँ पे एक चित्र भी बनाएंगे उस चीज़ का जो लकड़ी से बनी होती है। ठीक है, अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को पेड़ों का महत्व समझाते हुए बताइए कि जिन पुस्तकों व कॉपियों यानी कागज़ का प्रयोग हम पढ़ाई के लिए करते हैं वो भी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं, हमें उनका सदुपयोग करते हुए उन्हें फाड़ना नहीं चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।